नमस्कार दोस्तों, द केयर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दहमे और आज हम सीखने जा रहे हैं, यानी कि बनाने जा रहे हैं यह बोतल का ढक्कन। दिखने में तो काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रिक्स छिपी हुई है। चलिए आज मैं आपको ये सारी ट्रिक्स सिखाता हूं, तो आ जाइए मेरे साथ। हमें इस पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे पार्ट, और पार्ट लेने के बाद इसे हम रिवॉल्व कमांड से बनाएंगे। तो रिवॉल्व कमांड ले लेंगे, फ्रंट प्लेन पे हम करेंगे स्केच। स्केच में सबसे पहले एक सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन बनाने के बाद हम इसकी प्रोफाइल बना लेते हैं। लाइन से लाइन ली हमने, और इसके ऊपर आर्क बनाने के लिए वापस से हम इसी पॉइंट पर आएंगे और सेंटर लाइन पे सेलेक्ट करेंगे और कमांड से बाहर इस पॉइंट को सेंटर लाइन से कॉन्सिडेंट कर लेंगे। अब इसकी डायमेंशन देते हैं, इसका जो डायमीटर हम रखेंगे वो 80 रखेंगे, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 90 रखेंगे। अब इस स्केच को क्लोज कर देंगे और फिर रिवॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसकी साइड वाली प्रोफाइल बनाने के लिए हम एक स्केच लेंगे, वो हम फ्रंट या फिर राइट प्लेन में से किसी एक पे ले सकते हैं। फिलहाल मैं फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ, और इसको सीधा करके अभी हम स्टाइल स्प्लाइन लेंगे। और एक सेंटर लाइन लेंगे जिससे हम थोड़ी डायमेंशन भी दे सकें। इसको आप रफली के बना सकते हो स्केच को, तो थोड़ा मैं डायमेंशन डाल देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ठीक सा बन जाए। इसकी डायमेंशन हम रख रहे हैं यहाँ पे ऊपर 14, और इसके बाद में ये पॉइंट नीचे से रखेंगे 75, उसके बाद नीचे वाला पॉइंट इसको हम रखेंगे 45, उसके बाद में यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल को मैं 35 रख रहा हूँ, उसके बाद बचा हुआ जो नीचे वाला एंगल है इसको मैं 80 रख रहा हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब स्केच से बाहर निकलेंगे और उसको सरफेस को करेंगे एक्सट्रूड, मतलब इस स्केच को करेंगे सरफेस में एक्सट्रूड मिड प्लेन दोनों तरफ से, और करेंगे ओके। अब इस सरफेस से हम इसको कट विद सरफेस कर लेंगे, इसका एक तरफ का हिस्सा काट देंगे। अब इस सरफेस का कोई काम नहीं, इसको हाइड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम राइट प्लेन लेंगे और राइट प्लेन पर करेंगे स्केच, इसको सीधा करेंगे, और जो सामने सरफेस नजर आ रही है इसको ऑफसेट कमांड से एक स्केच कर लेंगे। यहां से लेंगे मैं ऑफसेट कमांड, और इसका 1 mm पे ऑफसेट करेंगे अंदर की तरफ, रिवर्स करके अंदर कर सकते हैं। अब स्केच से बाहर, और ये जो प्रोफाइल हमने काटी थी अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम वापस से अब इसको हम मारेंगे, क्योंकि कमांड डिलीट मार देंगे तो ये स्केच भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम इस सरफेस को वापस ओरिजिनल करने के लिए डिलीट फेस का यूज करेंगे। डिलीट फेस के अंदर हम डिलीट एंड पैच यूज करेंगे, और जिससे कि एकदम ओरिजिनल सरफेस वापस से मिल जाएगी हमें, जो ओरिजिनल बॉडी थी वही वापस से मिल गई है। अब इस नए स्केच को हम करेंगे एक्सट्रूड कट, वो भी मिड प्लेन दोनों तरफ, और साथ में हल्का सा रखेंगे ड्राफ्ट जो कि हमें मोल्ड में बाद में काम आएगा। इसको 1 degree हमने रखा आउटवर्ड, जिससे कि मोल्ड के हिसाब से हमारे पास पार्टिंग लाइन बन जाएगी। अब जो शार्प एज आ गई है, इन शार्प एज पे लगा देंगे हम हल्का सा फ्लिट, 0.5 के आसपास का फ्लिट रखेंगे। और इधर भी दोनों तरफ ने फ्लिट लगा ली। अब इसको हम सेल करके देखेंगे, कभी कभी ये सेल होता नहीं है, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से बना के देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार सेल करके देखते हैं। हम ऐसे 1.5 का सेल कर रहे हैं, और ओके ये सेल हो गया है, लेकिन कभी कभी ये सेल होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ और भी कर सकते हैं, इसलिए मैं सेल को कर रहा हूँ डिलीट।
इसके बाद हम सरफेस कमांड से इसको सेल करके दिखाता हूँ आपको। अब हम आएंगे वापस से सरफेस पे और ऑफसेट सरफेस कमांड लेंगे। जितने का सेल करना है उतना ही सरफेस को ऑफसेट करना है। हमें 1.5 ऑफसेट किया सरफेस को, पहले ये अंदर वाला सरफेस ले लिया हमने और इसको रिवर्स कर लेंगे क्योंकि अभी अंदर की तरफ हो गया है, इसलिए हम वापस से एडिट करेंगे इस कमांड को और इसको कर देंगे रिवर्स डायरेक्शन और ओके। अब हम इसके बाहर वाली जो प्रोफाइल है इसको भी ऑफसेट करेंगे ऑफसेट सरफेस पे और वो भी 1.5 mm, इसको भी रिवर्स कर लेंगे अंदर की तरफ और ओके। अब हमारे पास दोनों सरफेस मिल गई है, इन दोनों को हम ट्रिम कमांड से काटेंगे। इसलिए इससे पहले हमने इसको सॉलिड बॉडी को हाइड कर लिया, अब हमारे पास खाली सरफेस नज़र आ रहा है। ट्रिम हमने लिया, ट्रिम के अंदर म्यूचुअल ट्रिम ले रहे हैं हम, जिससे कि दोनों सरफेस एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे और नीचे हमें जो सरफेस चाहिए कीप सिलेक्शन हमने वो हिस्सा रख लिया, बाकी हिस्सा हमें नहीं चाहिए ओके कर देंगे, बाकी हिस्सा डिलीट हो जाएगा। हमारे पास ये सरफेस बच गया। हम वहाँ पर फिलिट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए फिलिट हम यहीं पर लगा लेंगे पहले से, इन सारे सरफेस पे फिलिट लगा लेंगे। मैक्सिमम फिलिट जितनी लग सकती है उतना लगाएंगे। यहाँ पे 0.75 की ही फिलिट लग पा रही है, हम एक बार 1 mm की लगा के देखते हैं। 1 mm की नहीं लग पा रही, इसलिए वापस से 0.75 की फिलिट इसमें लगाएंगे और अब उस सॉलिड बॉडी को वापस से सो करा के इसमें से कट विथ सरफेस वाली कमांड से अंदर का हिस्सा खाली कर लेंगे। यहाँ पे वो सरफेस देंगे, यहाँ डिज़ाइन ट्री से खोल के सरफेस और यहाँ पे इस सरफेस से कट विथ सरफेस कर लिया और अंदर का हिस्सा खाली हो गया। ये हो गया सेल बिना सेल कमांड के। अब इसके अंदर वाला हिस्सा भी एक बार और रह गया है, उसको भी बना के ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसमें फ्लैट सरफेस है थोड़ा, इस फ्लैट सरफेस पर हम करेंगे स्केच। अंदर वाला हिस्सा करीब 40 डायमीटर का है तो हमने 40 का सर्कल बना लिया। इसको एक्सट्रूड कर लेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से रिवर्स किया और फ्रॉम में जाके हमने ऑफसेट सरफेस करना है 10 mm। इस सरफेस से 10 mm नीचे इसको रिवर्स कर लिया और ब्लाइंड की जगह हम कर देंगे अप टू नेक्स्ट। इसको होलो बनाने के लिए हम यहाँ से थिन फीचर का इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी थिकनेस यहाँ पे चेंज कर लेंगे, थिकनेस कर लेंगे 2 mm और इसको अंदर की तरफ कर लेंगे ओके। तो ये बोतल का ढक्कन हमने बना लिया, इस पर चाहें तो यहाँ पे आप चूड़ी भी काट सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और कल हम इसी ढक्कन का मोल्ड बनाना सीखेंगे, वो भी सरफेस कमांड से। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।